नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकली वीडियो लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जो 125 सीआरपीसी यानी भरण पोषण का मुकदमा होता है, अब जो नया कानून आ रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो ऐसे में जो धारा है अब 144 के अंतर्गत पत्नी भरण पोषण के लिए आवेदन करेगी, तो ऐसे में अब प्रक्रिया कैसे चलेगी, अब पति अपना बचाव कैसे करेगा, पति भरण पोषण देने से कैसे बचेगा, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पत्नी को भरण पोषण देने से बचना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सारी प्रक्रिया हम समझने वाले हैं, कैसे आप भरण पोषण देने से बचेंगे, आपको क्या एक्शन लेना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 125 सीआरपीसी, 498 ए, डीबी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, ये सब जो भी मुकदमे होते हैं उनसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे पति अपना बचाव करेगा, कैसे झूठा 498 ए केस क्वेश कराएगा, किस प्रकार से भरण पोषण देने से बचेगा, कैसे डीवी एक्ट खारिज कराएगा, कैसे 125 सीआरपीसी खारिज कराएगा, कैसे ड्राफ्टिंग करनी होती है, सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केस लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो हमारे इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका भी केस जो है, मामला जो है, जजमेंट की भांति मिलता जुलता है, फैक्ट मिल रहे हैं, तो जिस जजमेंट में जो इंपॉर्टेंट बात आई है सामने, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जैसे 498 ए केस क्वेश हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, तो इस प्रकार के जो भी जजमेंट आए हैं, अगर आपका भी फैक्ट उससे मिलता जुलता है, तो आप उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के और कोर्ट में फायदा ले सकते हैं। और रूलिंग के तौर पे यदि आप जजमेंट लगाती हैं तो आपको जो फायदा मिलता है वो तत्काल मिलता है और तुरंत मिल जाता है। तो ऐसे में यदि आप लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, उसका यूज अपने केस में करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है जहाँ आपको बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे जजमेंट पढ़ने को समझने को मिलेगा। तो यदि आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए 500 रुपए आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है, लाइफ टाइम के लिए ये चार्ज है। तो पे करके आप जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पे मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर हम आते हैं और ये चीज समझते हैं कि जो 125 सीआरपीसी है, अब जो नया कानून आ रहा है, उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, क्या चीजें सामने आएगी, कैसे पति अपना भरण पोषण देने से बचेगा, सारी चीजें डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, आज मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा, मेरी ये जो किताब है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उसी से आपको समझाऊंगा। इसी का एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, वही चीजें आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए, जो 125 सीआरपीसी हमारा चलता था, तो 125 सीआरपीसी का मतलब जो सीआरपीसी की धारा 125 थी उसमें मेंटेनेंस से संबंधित प्रोविजन थे। तो अब जो नया कानून आ रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी जो धारा 144 है उसमें मेंटेनेंस से संबंधित प्रोविजन है। जो भी जैसे प्रोविजन थे 125 सीआरपीसी में, सबको कॉपी किया गया और सेक्शन 144 में ले जाके पेस्ट कर दिया गया है। तो सारी चीजें वैसी ही है, प्रक्रिया भी वैसी ही है। तो प्रक्रिया हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या प्रक्रिया है, कैसे चलेगी और पति को क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो देखिए, हम अपने इस किताब के माध्यम से आपको समझा रहे हैं जो भी चीजें, बहुत सारे इस प्रकार के इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस किताब में मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले जो चीजें होती हैं वो ये होता है कि जो पत्नी होती है, 125 सीआरपीसी का मुकदमा जो होता है भरण पोषण पाने के लिए, जो मुकदमा होता है वो अपना प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाती है, जिसे कोर्ट एडमिट करता है। और उसके बाद जो पति होता है, कोर्ट उसे नोटिस भेजता है, समन भेजता है कि आपकी पत्नी ने यह मुकदमा किया है, आइए कोर्ट में और अपना पक्ष रखिए। जब पत्नी मुकदमा लगाती है उसी समय अपना एफिडेविट भी वो देती है। उसके बाद देखिए,
जब पति को नोटिस भेज दिया जाता है तो ऐसे में दो चीजें होती हैं। पहला तो पति को नोटिस मिल जाता है तो नोटिस जब तामील हो जाता है तो ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि पति कोर्ट में हाजिर होता है और कभी कभी नोटिस मिलने के बाद पति आता ही नहीं है। तो ऐसे में दो कंडीशन सामने आते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि जब पति नहीं आता है तो एक पक्षी कार्यवाही कैसे चलती है। तो देखिए, जब समन पति को मिल जाता है उसके बाद यदि पति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो एक पक्षी कार्यवाही करने का आदेश दे देता है। एक पक्षी कार्यवाही का मतलब कि अब सिर्फ एक ही पक्ष को सुन के और जजमेंट दे दिया जाएगा। उसके बाद जो पत्नी होती है एक पक्षी साक्ष्य देती है, अपना गवाही करा देती है, अपने एक और गवाह का गवाही करा देती है। उसके बाद एक पक्षी बहस हो जाता है और जजमेंट आ जाता है। तो ये एक पक्षी प्रक्रिया हो गई जब पति को नोटिस मिलने के बाद वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। और अब देखिए, अगर पति कोर्ट में हाजिर हो जाता है यानी समन मिल रहा है, पति कोर्ट में हाजिर हो जा रहा है, तो ऐसे में जब पति कोर्ट में हाजिर होता है उसके बाद फाइल को तुरंत मीडिएशन सेंटर में भेज दिया जाता है। दोनों पक्षकारों का मीडिएशन कराया जाता है, मीडिएशन से रिपोर्ट आता है। यदि मीडिएशन सक्सेसफुल होता है, दोनों पति पत्नी साथ रहने को तैयार हो जाते हैं, तो मुकदमे को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। और मीडिएशन जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो मुकदमा आगे बढ़ता है। उसके बाद जो पति होता है अपना WS फाइल करता है यानी रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, जिसमें वो अपना एफिडेविट भी लगाता है। उसके बाद जब पति और पत्नी, जैसे पत्नी ने एप्लीकेशन दिया, पति ने उस पर अपनी आपत्ति लगा दी, तो ये चीज हो गई, मीडिएशन भी फाइनल हो गया। उसके बाद देखिए, साक्षी का नंबर आता है तो सबसे पहले पत्नी मुकदमा की है। तो ऐसे में जो पत्नी होती है अपने गवाहों को लाती है, अपनी गवाही कराती है। तो पत्नी को मान के चलिए दो गवाह देनी है तो एक तो वो अपनी ही गवाही करा दी। तो ऐसे में जब पत्नी PW1 होता है तो सबसे पहले अपनी गवाही कराई, तो जो पति के वकील होते हैं पत्नी का जिरह करते हैं। उसके बाद पत्नी ने अपने दूसरे गवाह का गवाही कराया तो उस समय जो पति के वकील होते हैं वो दूसरे गवाह का जिरह कर लेते हैं यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेते हैं। उसके बाद जो पति होता है अपने गवाहों की गवाही कराता है, तो सबसे पहले पति की गवाही होती है तो जो पत्नी के वकील होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। फिर जो पति होता है वो अपने दूसरे गवाह की गवाही कराता है, तो उस समय जो पत्नी के वकील होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। तो इस प्रकार से गवाहों का जब गवाही हो जाता है, जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद जो फाइल होता है वो आर्गुमेंट में चला जाता है यानी अंतिम बहस में चला जाता है। अब अंतिम बहस में पत्नी और पति के वकील जो भी फैक्ट लाए होते हैं सामने, जो भी चीजें होती हैं, कोर्ट के समक्ष रखते हैं और उसके बाद कोर्ट इसी पे अपना फैसला सुना देता है। तो ये तो हो गई 125 CRPC की पूरी प्रक्रिया। अब फैसला में हो सकता है कि पत्नी को मेंटेनेंस मिले या हो सकता है कि उसका 125 CRPC खारिज कर दिया जाए। तो पति को यहां इंपॉर्टेंट दो चीजें ध्यान रखनी होती है। पहला, तो जो अपने गवाहों की गवाही कराए वो अच्छी तरह से कराए, जो साक्ष्य दे वो अच्छे साक्ष्य दे जिसे साबित हो रहा हो कि जो पत्नी है अकारण अलग रह रही है या एडल्ट्री में है। तो ये चीजें साबित कर देता है पति तो वो भरण पोषण देने से बच सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पति के लिए ये है कि जो पत्नी अपना बयान दे रही है, गवाहों की गवाही करा रही है, उनका जो जिरह हो रहा हो, उनके वकील जो जिरह कर रहे हैं, तो पति के वकील को विशेष रूप से पत्नी से इस प्रकार से जिरह करना है कि जो भी पत्नी आरोप लगा रही है उसके जिरह से ही वो साबित हो कि झूठा है, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन से ही साबित हो जाए कि वो गलत बोल रही है। जो पत्नी अपनी बातें कह रही है क्रॉस एग्जामिनेशन में, ऐसे पति के वकील को सवाल पूछने चाहिए कि पत्नी की बातें झूठी साबित होने लगे, पत्नी गलत बातें बताने लगे और जिससे कि साबित हो जाए कि पत्नी अकारण अलग रह रही है या एडल्ट्री में है या जो आरोप लगा रही है वो झूठे आरोप लगा रही है। तो यदि पत्नी क्रॉस एग्जामिनेशन में टूट जाती है, पति के जो वकील है वो अच्छी तरह से जिरह कर लेते हैं, तो ऐसे में मेंटेनेंस देने का जो चांस है वो कम होता है और पति केस को खारिज करा के भरण पोषण देने से बच सकता है। तो ये 125 CRPC की पूरी प्रक्रिया हो गई। अब इसी में एक आता है अंतरिम भरण पोषण की प्रक्रिया। तो देखिए, अंतरिम भरण पोषण जो होता है उसका प्रार्थना पत्र पत्नी कभी भी दे सकती है, जैसे जब पति हाजिर हो रहा हो, जिरह चल रहा हो, गवाही चल रही हो, तो जब चाहे पत्नी उसी समय अंतरिम भरण पोषण के लिए एक आवेदन कर सकती है। तो जब पत्नी भरण पोषण के लिए यानी जो अंतरिम भरण पोषण है उसके लिए आवेदन करती है, तो जो 125 CRPC की मेन प्रक्रिया चल रही है वो रुक जाती है। अब अंतरिम भरण पोषण पे सुनवाई होती है। जब पत्नी अपना अंतरिम भरण पोषण के लिए एक आवेदन कर देती है तो पति उसकी कॉपी प्राप्त करता है, उस पे अपनी आपत्ति लगाता है। उसके बाद एक
बहस होती है, आर्गुमेंट होता है और जजमेंट आ जाता है। तो अंतरिम भरण पोषण जब निस्तारित हो जाता है तो फिर 125 सीआरपीसी की जो प्रक्रिया है जहां रुकी होती है वहां से चलना शुरू हो जाता है। तो अंतरिम भरण पोषण बीच में कभी भी दिया जा सकता है और उसे निस्तारित करने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो ये तो हो गई 125 सीआरपीसी की पूरी प्रक्रिया। तो इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती है और यही प्रक्रिया चलती रहेगी, चाहे 125 सीआरपीसी हो या 144 जो है हमारा नया कानून VNSS आ रहा है वो हो। तो प्रक्रिया नहीं बदलेगी, जो भी चीजें हैं, फैक्ट है, जो प्रावधान है नहीं बदलेगी, सिर्फ सेक्शन बदला है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आपका भी 125 सीआरपीसी का मुकदमा चलेगा। तो ये जो भी चीजें मैंने बताई अपनी इस पुस्तक के माध्यम से बताई, तो आप समझ चुके होंगे कि इस पुस्तक में कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज बताए गए हैं। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो किताब को बाय कर लीजिएगा। इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस किताब के माध्यम से मिल जाएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।